सभी को नमस्कार। किसी को चंडीगढ़ में ना अनप्लान्ड काम देखना हो तो किसी भी गांव या खास करके बड़ैल में आए। ये जो रोड है, इस रोड के ऊपर सिविल का काम काफ़ी साल पहले भी हुआ था, लेकिन लगता है आज दोबारा वही काम शुरू हो गया है। दूसरा, यहाँ पर दुकानों के सामने लोहे की ग्रिलें कई बार लगाई जा चुकी हैं, लेकिन हर बार कुछ महीनों बाद ग्रिलें तोड़ दी जाती हैं या चोरी हो जाती हैं। समझ नहीं आता कि प्रशासन बार बार यहाँ पर पैसे क्यों खर्च करता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी कोई ग्रिल नहीं है, वो थोड़ी दूर जाके फिर ग्रिलें हैं, उसके बाद बस स्टॉप ही है, वहाँ पर फिर ग्रिलें टूटी हुई हैं। तो ये जो चंडीगढ़ है ना जी, अनप्लान शहर, अगर किसी ने पैसे की बर्बादी सच्चाई में देखनी हो तो किसी गाँव या बड़ैल में आके देख सकता है कि किस तरह से पैसे की बर्बादी होती है। ये जो काम आज हो रहा है, ये कई साल पहले भी हुआ था, आज फिर वही हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई पक्का प्लान ही नहीं है इनके पास कि कैसे करें या ना करें। और दूसरा, ये जो लोहे की रेलिंग है, ये दुकानों के ऑपोजिट बहुत बार लगाई गई है, लेकिन हर बार कुछ महीनों बाद तोड़ दी जाती है। पता नहीं प्रशासन बार बार क्यों लगाता है इनको, जब उसको पता है कि यहाँ से चोरी होनी है तो पैसा क्यों खर्च करता है। हमारा अनुरोध है चंडीगढ़ प्रशासन से कि कृपया करके कुछ पैसे खर्च करने से पहले चार बार जरूर सोचें।